तमाशा बनाया कांग्रेस ने। जिला कार्य समिति पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रथम बैठक बेमित्रा में भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा चंदूलाल साहू, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग अखिलेश सोनी, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष सियाराम साहू, प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग खिलावन साहू सहित दीपेश साहू के नेतृत्व में 250 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ विधानसभा विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया गया है, जिससे आज 3-4 फैसले ऐसे लिए हैं जिसमें आने वाले समय में सशक्त पिछड़ा वर्ग रहेगा और जो अधिकार से वंचित रहे उन्हें अधिकार देने का कार्य किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश की भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्म लाल कौशिक ने कहा कि गांव से लेकर जिले में व्याप्त समस्याओं को लड़ने बजाय विधायकों की परेड दिल्ली में कांग्रेसी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने तमाशा बना दिया है, जनता की समस्याओं के बजाय अपनी समस्या में उलझे हुए हैं। एक सरकार बचाने में, एक सरकार बनाने में लगे हुए हैं। वास्तव में जनता ने देख लिया है, भाजपा को दिया 15 सालों तक विकास की बातें हुई है, 5 साल आप नहीं चला सके, कुर्सी तोड़ने में लगे हैं, कुर्सी हिलाने लगे, जो बातें हैं अब जनता के सामने उजागर हो रही हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और पिछड़ा वर्ग के माध्यम से प्रदेश में आने वाले समय में भाजपा की सरकार पुनः बैठाने का आह्वान किया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बेमित्रा जिला के प्रथम कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें अखिलेश सोनी जी अध्यक्ष और महामंत्री हमारे दोनों, विशेष रूप से यहाँ पर डॉक्टर खिलावन साहू जी और चुन्नीलाल हमारे चंदूलाल साहू जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के, बाकी सभी पदाधिकारी उसमें विशेष रूप से उपस्थित रहे। वास्तविक में नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को उन्होंने सम्मान दिया। आज 3-4 फैसले ऐसे जो लिए हैं जिसमें आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग सशक्त रूप उभरेगा और जो अधिकार से वंचित रहे उनको अधिकार देने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें हमारे अतिथि के रूप में हमारे नेता के प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक। किस उद्देश्य को लेकर बैठक जी? ये प्रथम कार्य समिति की बैठक है, इस मोर्चे में क्या जिनका दायित्व क्या है, कार्य समिति के संबंध में समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें जो है मोर्चे में क्या क्या कार्य होने हैं, किस टाइप से कार्य करने हैं और ओबीसी मोर्चा को किस प्रकार से उठाना है, भाजपा में जोड़ना है और लोगों तक माननीय मोदी जी की जितनी सारी योजनाएं हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा की, उनको निम्न स्तर तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये सारे संबंध में बैठक।